हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद दोस्त अच्छे होंगे। लाखों दिलों की धड़कन, करोड़ों दिलों की धड़कन अपनी पैशन प्लस न्यू लुक में लॉन्च हो चुकी है। इसमें क्या चेंज मिलता है पुराने वाली पैशन प्लस से? नई वाली पैशन प्लस में आपको क्या क्या चेंज मिलता है, क्या एक्स शोरूम है, क्या फीचर मिलते हैं, पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले इसके हम हेडलाइट से शुरू करते हैं। हेडलाइट में आपको क्या क्या मिलता है, पूरी जानकारी आज की बाइक की देने वाला हूँ। हेडलाइट वही आपको पुराने वाले मॉडल की तरह देखने को मिलती है, बड़ी सी चौड़ी सी हेडलाइट आपकी पैशन प्लस की। वाइजर के ऊपर आपको 3D में हीरो का लोगो देखने को मिलता है। और बात करें हेडलाइट की, तो हेडलाइट के अंदर आपको हैलोजन बल्ब मिलेगा, साथ में आपको इसके अंदर पार्किंग बल्ब भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा इग्निशन ऑन करते हो तो पार्किंग बल्ब जो है आपका जल जाता है। बात करें इंडिकेटर की, आपको हैलोजन बल्ब के साथ इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। बात करें ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स इसमें आपको जो रहने वाला हुआ है ब्लू, सिल्वर और ब्लैक, काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है और देखने में कहीं हद तक स्टाइलिश भी लग रहा है। हेडलाइट का देखो वाइजर कितना बड़ा है। पैशन प्लस इसी वाइजर के नाम से जानी जाती है, इसी वाइजर की जो लुक है उससे जानी जाती है। देखो बंदा दूर से ही पहचान लेगा, रात हो दिन हो, कौन सी बाइक है भाई, पैशन प्लस है। क्योंकि इसकी जो हेडलाइट है थोड़ी सी चौड़ी है, इतनी चौड़ी और इतनी बड़ी हेडलाइट किसी भी बाइक में आज के टाइम में नहीं आती। बात करें सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो आपको स्प्लेंडर, HF डिलक्स वगैरह में देखने को मिलता है। बात करें इसकी रिफ्लेक्टर की, तो दोनों साइड आपको सस्पेंशन पे रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। ट्यूबलेस टायर आपको इसके बाइक के अंदर देखने को मिलेगा और JK टायर का इसके अंदर यूज़ कर रखा है। मडगार्ड की बात करें, तो मडगार्ड आपको मैट ब्लैक और ग्लोसी ब्लैक में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताता हूँ फ्यूल टैंक में आपको क्या क्या चेंज है। ये आपका 11 लीटर का फ्यूल टैंक, अब ये FI टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें आपको कार्बोरेटर नहीं मिलता, कार्बोरेटर नहीं है तो फ्यूल इंजेक्शन है, तो फ्यूल इंजेक्शन है तो इसमें आपको फ्यूल मोटर मिलेगी, ठीक है ना। कुछ FI टेक्नोलॉजीज के अंदर आपको देखने को मिलती है, जिसकी मैं आपको बात बता रहा था। और क्रोम के ऊपर इसकी जो पट्टी देखने को मिलती है, थोड़ा सा इसको प्रीमियम बनाने की कोशिश की गई है, नए लुक के साथ इसको बनाने की कोशिश हीरो के द्वारा की गई है। सेल्फ स्टार्ट के साथ ये आती है। 97.2 cc का इसमें आपको एयर कूल इंजन देखने को मिलेगा। बात करें इसके कर्व वेट की, तो 115 kg का इसके अंदर आपको कर्व वेट देखने को मिलता है। किक स्टार्ट इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, किक प्लस सेल्फ दोनों का ऑप्शन इस बाइक में देखने को मिलेगा आपको। ब्लू, ब्लैक, सिल्वर का जो ग्राफिक्स है, इस बाइक को थोड़ा सा प्रीमियम बना रहा है, देखने में थोड़ी सी अच्छी लगती है। i3S की इसमें इसके अंदर आपको जो टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छा आपका जो फ्यूल है सेव करेगी। ट्विन ट्यूब जो है आपका रियर सस्पेंशन इसमें देखने को मिलेगा, जो कि रेड कलर में है। रेड, ब्लू और ब्लैक का जो कलर कॉम्बिनेशन है, बाइक को थोड़ा सा अच्छा लुक दे रहा है, भद्दा नहीं लग रहा, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये अपना स्विंग आर्म रहने वाला है और पीछे आपका जो ट्यूबलेस टायर है वो रहने वाला है। और ये देखो ब्रेक पे वो दे रखा, जिससे आपका जो पैर है इंजन पे टच ना हो। ये आपका जो एग्जॉस्ट रहने वाला है, एग्जॉस्ट के ऊपर एक साइलेंसर पत्ती मिलेगी, जो हीट वगैरह से बचाएगी आपके जो पैर है उसको ना जलाए। ये पीछे का पायदान रहने वाला है। बाकी इसकी एवरेज भी बड़ी है दोस्तों, और प्राइजिंग में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, थोड़ा सा प्राइज इसका बढ़ा है, 5 टेक्नोलॉजी वगैरह आई है। और साथ में इसमें आपको USB चार्जिंग, मतलब मोबाइल चार्जिंग का जो स्लॉट है वो भी देखने को मिलेगा। बात करें बाइक का एक्स शोरूम का प्राइस का, तो 76,000 रुपीज़ की आपको ये एक्स शोरूम पड़ेगी दिल्ली में। बाकी आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग, सिटी के अकॉर्डिंग आप देख लेना, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस मिलेगा। सीट हाइट की बात करें, 790 mm की इसकी सीट हाइट रहने वाली है। मैक्सिमम पावर जो है 7.9 bhp बाइक प्रोड्यूस करती है। ग्राउंड क्लियरेंस है 168 mm का रहने वाला है। स्टैंडर्ड वारंटी आपको 5 साल की मिलेगी और 70,000 किलोमीटर की रहने वाली है। अब दूसरी साइड चलते हैं बाइक से, कि दूसरी साइड में आपको क्या क्या मिलता है। दूसरी साइड में आपको वही मिलेगा 11 लीटर का E20 वाला फ्यूल, बेजिंग आप फ्यूल टैंक पे देख पा रहे होंगे। इसमें आपको डिजिटल प्लस एनालॉग का जो स्पीडोमीटर है वो देखने को मिलेगा। इसमें आपको ट्रिप वगैरह बताएगा, कितना किलोमीटर चला हुआ, स्पीड आपको जो है एनालॉग दिखाएगा। थोड़ा बहुत इसमें ये
मोबाइल चार्जिंग का आपको अंदर पोर्ट देखने को मिलेगा, एक डाटा केबल लगा के आप इस बाइक में अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो ड्यूरिंग ट्रैवल। पासिंग का स्विच है, लो बीम हाई बीम का स्विच है, हॉर्न इंडिकेटर का रहने वाला है, ये अपना सेल्फ का रहने वाला है, ये अपना थ्रोटल रहने वाला है। लाइट ऑफ ऑन का इसके अंदर स्विच नहीं मिलता क्योंकि BS6 है, तो इसमें आपको लाइट ऑफ करने का स्विच नहीं मिलेगा। FI की बैजिंग आपको इधर मिल जाएगी, ये अपना 2cc का एयर कूल इंजन। बात करें चैन कवर की, तो प्लास्टिक का आपको ये जो है चैन कवर देखने को मिलेगा इस बाइक में, जो कि ठीक है, मिट्टी विट्टी पानी वानी से जल्दी रस्टिंग नहीं आएगी, रस्टिंग से दूर रहेगा, लेकिन इसका कुछ टाइम के बाद जो कलर है वो फेड हो जाता है, तो थोड़ा बद्दा लगता है, पॉलिश वॉलिश करानी पड़ती है। चलो कोई नहीं, कहीं हद तक तो ठीक है। बाकी 4 स्पीड गियर के साथ ये बाइक आती है, और साइड स्टैंड में भी इसमें आपको सेंसर मिलता है, अगर आपका स्टैंड लगा हुआ तो बाइक जो है बंद हो जाएगी। रियर से बाइक की प्रोफाइल दिखाते हैं तो बिल्कुल चेंज है। रियर की एकदम क्यूट सी छोटी सी हेडलाइट मिलती है, इसके नीचे रिफ्लेक्टर और नीचे आपका नंबर प्लेट लगाने की जो पत्ती है वो मिलती है, और इंडिकेटर मिलते हैं हैलोजन बल्ब के साथ। चलो बाय बाय।